जब मान्यवर श्री कांशीराम जी जीवित थे और हरियाणा प्रदेश में आते थे, आप लोग बड़े दुखी थे कि हमारे पास रोटी रोजी के साधन नहीं हैं, हमारे पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है। तो उस समय आप लोग एक नारा लगाते थे कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, आप लोग एक नारा लगाते थे। लेकिन वो नारा आपका पूरा नहीं हो रहा पा रहा था हरियाणा में, और ये कब होगा? जब आपकी सरकार बनेगी। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में चार बार हमें सरकार बनाने का मौका मिला, तो उत्तर प्रदेश में हमने बड़ी संख्या में लाखों लाखों लोगों को, जो दलित वर्ग के लोग थे और जो गरीब लोग थे अन्य समाज में, उनको हमने किसी किसान भाई की एक इंच भी जमीन छीनकर हमने भूमि इन लोगों में नहीं बांटी थी, बल्कि सरकार के पास जो खेती करने के लिए सरकारी ज़मीन खाली पड़ी थी, उस सरकारी ज़मीन के दो दो तीन तीन एकड़ के पट्टे काटकर हमने भूमिहीन लोगों को, जो गरीब लोग हैं भूमिहीन लोग, जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनको खेती करने के लिए हमने फ्री दी। और इतना ही नहीं, आपको ये भी मालूम है कि जहाँ पर दलित बस्तियाँ होती हैं तो वहाँ जाते ही मालूम पड़ जाता है हर गाँव में, गाँव देहात में, कि यहाँ पर दलित वर्ग के लोग रहते हैं। क्योंकि जो भी पार्टियाँ सत्ता में आई, उन्होंने आपकी दलित बस्तियों को विकसित नहीं किया। लेकिन जब हमारी पार्टी की सरकार बनी, हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्राम विकास योजना के तहत, तो जहाँ पर दलित लोग रहते थे, हमने गांव चिन्हित किए अधिक तादाद में, उनको हमने इस योजना के तहत उनको सुविधा मुहैया कराई, उनको सुविधा उपलब्ध कराई और उनको विकसित किया, डेवलप किया।